सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरनत सिंह, इंटरनेट एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में बात करेंगे, भैया फिजिक्स बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने हाथ जोड़ दिए फिजिक्स के सामने, ना पढ़ने का मन करता, और पढ़ भी लूँ तो मेरे से क्वेश्चन लगते नहीं हैं। सो उसके वजह से और मन नहीं करता। पर मेरा डॉक्टर बनने का सपना है भैया, ठीक है, डॉक्टर बनने का सपना है। नीट क्वालिफाई करके मेरे को एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, एमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एमसी नहीं, ठीक है। सो भैया मैं क्या करूँ। सो यार, इस वीडियो में इसी टॉपिक पे आराम से बात करने वाले हैं, और मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा यार कि क्यों फिजिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप करना ज़रूरी है, ठीक है, वाई तुम्हें समझाऊंगा, ठीक, और फिर उसके बाद हाउ भी बताऊंगा कैसे तुम डेवलप कर सकते हो, ठीक। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में मत छोड़ के जाना यार। आप 1.5x पे देख लो इसको, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस बेटर रहेगा, जल्दी वीडियो निपट जाएगी, पर एंड तक देखना, राइट। सो शुरू करते हैं यार। याद रखना, ठीक, कोई भी प्रोफेशन हो लाइफ में, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन होता है, उसका कुछ सेगमेंट अगर आप पाई चार्ट पे बना दो ना, आपको पसंद आएगा, ग्रीन टिक में दिखेगा। पर एक सेगमेंट, एक दो सेगमेंट हर प्रोफेशन के या हर एक्टिविटी के आपको पसंद नहीं आएंगे। एक दो सेगमेंट ऐसे होते ही होते, एक दो ऐसा पार्ट होता है किसी भी प्रोफेशन का जो आपको पसंद नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर बन भी गए, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इंटर्न हूँ एम्स में, मेरे कलीग्स और आप मेरे सीनियर से पूछ लीजिए, और मेरे जूनियर्स को भी आगे चल के ना, ये डॉक्यूमेंटेशन वाला जो प्रोसेस होता है बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हम जो भी चीज़ करते हैं, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, हमें उसका बहुत डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है। आपने मेरा कोई ना कोई वीडियो देखा होगा व्लॉगिंग वाला, उसमें मैंने बताया होगा कि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी एक पेनफुल प्रोसेस होता है, एक कटवर्क टाइप का होता है, जो किसी को भी करने का मन नहीं करता, हमारे सीनियर्स को भी मन नहीं करता, जो JRS है उनको भी मन नहीं करता, पर करना पड़ता है क्योंकि वरना लीगल इश्यूज बाद में हो सकते हैं। तो आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। आपको पेशेंट ट्रीट करने में बहुत मज़ा आएगा, उनकी बातें सुनने में, हिस्ट्री सुनने में, एग्जामिनेशन करने में, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आएगा, पर उस प्रोसीजर को जब डॉक्यूमेंट करना पड़ता है वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो क्या आप डॉक्टर नहीं बनोगे? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट आपको पसंद नहीं है, पर बाकी चीज़ें आपको पसंद है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको अगर डॉक्टर बनना है यार, तो फिजिक्स तुम्हें इंप्रूव करनी पड़ेगी, राइट। जो स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कोई और क्वेरी मेरे से पूछना चाहते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो बच्चे, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए कर लो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें तो तुम्हें मिलेगी, हाई यील्ड रिवीजन सीरीज, माइंड मैप्स, और फिर चैप्टर वाइज PYQs, टेस्ट पेपर्स, और तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैंने प्रोवाइड कर रखे, रिकमेंडेड क्वेश्चंस जो कि हाई यील्ड क्वेश्चंस है, आपको उसके अराउंड नीट में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं रेगुलरली आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करता रहूँगा कि हाँ भाई, स्टडी विथ मी सेशन है, आओ पढ़ाई कर लो मेरे साथ, या फिर कुछ लाइव सेशन कंडक्ट कर दिया टेलीग्राम पे, जिसमें मैंने आपसे 1-on-1 मेंटोरशिप का सेशन कर दिया, ठीक। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इमजोनी नियरिस नाम है, ठीक। आपको ये PDF भी चाहिए ना, तो मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको याद रहे कि हाँ मैंने क्या क्या बताया था इस वीडियो में। अभी आप ध्यान से वीडियो सुनते रहो, ठीक है बच्चा। सो टीचर्स का भी आप प्रोफेशन देख लो यार, टीचर को हमेशा पढ़ाने का मन नहीं करता, ठीक है, पर स्टूडेंट का जब रिजल्ट आता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो पढ़ाते हैं, ठीक, हमेशा पढ़ाने का मन नहीं करेगा। आपके पेरेंट्स को देख लो, क्या उनको रोज़ जॉब करने का मन करता है? क्या रोज़ आपको मोटिवेट करने का मन करता है उनको? कई बार नहीं करता उनको, कई बार घर का भी काम करने का मन नहीं करता, पर फिर भी वो करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर जॉब जो उनको पसंद नहीं है। सिमिलरली आप एथलीट्स को देख लो, मोहम्मद अली जो कि बहुत बड़े बॉक्सर हैं, वो क्या कहते हैं कि यार, ही हेटेड एवरी मिनट ऑफ हिज ट्रेनिंग, पर फिर भी वो करते थे बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अ चैम्पियन। तो वही आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको फिजिक्स करना पड़ेगा, भले ही आप उसको नापसंद कर रहे हो। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ना, जो 10th में होंगे, 11th में होंगे, 2023 या 2024 में नीट देंगे, 2025 कभी भी बाद में नीट देंगे, JEE देंगे, या कुछ भी ऐसा एग्जाम देने वाले जिसका एक पार्ट उनको पसंद नहीं है, ये चीज़ बाकी पे भी एप्लीकेबल है। अब मैं तुम्हें एक और मोटिव देता हूँ क्यों फिजिक्स पढ़ोगे, क्योंकि यार जो एंड रिजल्ट है ना, बहुत ही सुहावना है। अब अगर आप फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो ना, तुम JEE के एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, NDA हो, ISRO हो, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कहीं ना कहीं मेरिट डिसाइडिंग होता है, याद रखना ये कीवर्ड बच्चे, मेरिट डिसाइडिंग होता है फिजिक्स। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लो, तो इनको आराम से आप क्रैक कर लोगे, अच्छी खासी रैंक और अच्छा खासा कॉलेज भी सिक्योर कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ भैया, कैसे किया जाए। ये तो वाई आपने दे दिया, ठीक है, कि क्यों मेरे को फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, अब हाउ कैसे किया जाए। पहला पॉइंट है यार बच्चे उसमें, कि तुम्हें ना एप्लीकेशन सीखना है
फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका होता है कि उसको अप्लाई करो डे टू डे लाइफ में. देखो फॉर एग्जांपल, मैं जब सूडो फोर्स के बारे में सीखा था तो मैं क्या करता था, मैं जब भी एलिवेटर में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सोचता था कि यार मतलब कोई इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेगा ना तो मेरे ऊपर सूडो फोर्स लग रहा है. अगर एक्सेलरेट कर रहा है एलिवेटर तो मेरे नीचे सूडो फोर्स लग रहा है. जब मेरी बस टर्न मारती थी ना, यू टर्न, मतलब यू टर्न नहीं पर हाँ मोड़ पे टर्न मार रही होती, तो मैं सोचता था यार मेरे पे ना एक फोर्स लग रहा है mv² / r. अगर ये रेडियस है, यहाँ से ऐसे बस टर्न मार रही है, ठीक, तो इस रेडियस में mv² / r लग रहा है. बस का वॉल्यूम इतना, सॉरी बस का मास इतना है और इस वेलोसिटी पे जा रही है बस. फ्रिक्शन भी लग रहा होगा जो सपोर्ट कर रहा है बस को इस मूवमेंट में. तो मैं ऐसे अप्लाई करता था, मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था फिजिक्स. आप भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है. हाँ, फिर इमेजिनेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जेई मेंस एडवांस के जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी बातें सुन कभी, ठीक है. मैं अपने समय मेरे जो टॉपर्स थे, मतलब मेरे से जो सीनियर टॉपर्स थे, उनकी बातें सुनता था. वो यही बोलते थे, एम्स का पेपर भी ना जेई मेंस और एडवांस के बीच में आता था फिजिक्स का, ठीक. तो अब तो नहीं होता है एम्स का पेपर, पर हाँ मैं ये बता दूँ, इमेजिनेशन में बहुत पावर है. अगर विजुलाइज करते हो ना तुम सिचुएशन को, सीन्स को, फिजिक्स के जो केसेस आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको इमेजिन करके आप सॉल्व करते हो ना, आपको बहुत ही डीप इंटरेस्ट बन जाएगा फिजिक्स में. तो ये करना शुरू करो. दूसरा चीज़ क्या है फिजिक्स में, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो फिजिक्स को, वो है एक्टिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग मतलब क्या होता है, बच्चे पूछते हैं भैया आप एक्टिव एक्टिव बोलते रहते हो, इसका मतलब क्या होता है बता दो जरा हमें. तो मैं बताता हूँ यार, इसका मतलब होता है कि तुम्हें एक रफ कॉपी लेनी है. रफ कॉपी लेनी है, उसमें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुम्हें, और एक्टिवली रिकॉल करना है. फॉर एग्जाम्पल टीचर पढ़ा दिया, मैं हूँ तुम्हारा टीचर, मैंने तुम्हें फिजिक्स पढ़ाई, ठीक है, कुछ तुम्हें कुछ पढ़ा दिया तुम्हें रोटेशन मैकेनिक्स से रिलेटेड. अब तुम कॉपी बंद करो, रफ कॉपी निकालो और उसमें पूरा स्क्रिबल करना शुरू करो कि तुम्हें क्या क्या टीचर ने बनाया बताया है विदाउट ओपनिंग द नोटबुक. वो होता है एक्टिवली रिकॉल करना. तुम स्ट्रेस दे रहे हो अपने दिमाग पे कि हाँ भैया भाई टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, तुम खुद से स्क्रिबल कर रहे हो, वो होता है एक्टिव रिकॉल. इससे ना चीज़ें इंटीग्रेट बेटर होती है, तुम्हारा सिनाप्टिक जो कनेक्शन होता है, न्यूरॉनल कनेक्शन जो होता है वो स्ट्रेंथन होता है, तो बेटर चीज़ें याद रहती. यही चीज़ तुम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, बायोलॉजी के लिए भी कर सकते हो. और सॉल्व करो यार, रफ कॉपीज लाओ, ठीक है, और उस पर सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो, ठीक, और नोट्स बनाना शुरू करो फिजिक्स का. अपने भाषा में तुम नोट्स बनाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे नोट्स बनाओ, वो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है. फिर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, पर प्रैक्टिस का तरीका क्या है फिजिक्स में जो तुम्हें हेल्प करे फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करने का, वो ये है कि तुम पॉज करो यार. टीचर जब सवाल सॉल्व कर रहा है ना स्क्रीन पर, पॉज करो, खुद से ट्राई करो सवाल. ये नहीं कि आगे स्किप करके सोल्यूशन देख लिया, नहीं, पॉज करो, खुद से ट्राई करो. एक दो घंटा ही क्यों ना लग जाए भाई, वीडियो वहीं पे क्यों ना अटकी रह जाए, कोई बात नहीं, खुद से ट्राई करोगे बहुत अच्छे से सीखोगे, ठीक. उसके बाद तुम सोल्यूशन देखो, और ट्राई करते वक्त ना कोरिलेट करो यार चीज़ों को. फॉर एग्जांपल v = ir होता है, हम सभी को मालूम है. अब i जो है करंट, ठीक है, वो क्या होगा, चार्ज बाई टाइम, चार्ज हो गया ne, ठीक है. तो ये सारी चीज़ तुम कोरिलेट करो. जब तुम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हो तो उसको मैग्नेटिज्म से कोरिलेट करो, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही फॉर्मूलेज आते हैं. ग्रेविटेशन से कोरिलेट करो, m1 m2/r² या q1 q2/r², कोरिलेट करो, फॉर्मूलेस खुद डिराइव करने की कोशिश करो. इससे तुम क्या करोगे ना, तुम चीज़ों को बेटर समझ पाओगे, तुम फाउंडेशन अपना स्ट्रांग करते हो. तो कुछ भी और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में, तुम एकदम सीना चौड़ा करके फेस कर पाओगे और डरोगे नहीं. डरोगे नहीं तो फिजिक्स कभी खराब नहीं लगेगी, और जो तुम हाथ जोड़ रहे हो ना फिजिक्स, तुम्हारे सामने फिजिक्स हाथ जोड़ेगी, ठीक है. नेक्स्ट चीज़, बेसिक स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट. कई स्टूडेंट क्लास 11th में बहुत कैजुअल होते हैं, 12th में आकर उनका दिमाग खुलता है और फिर वो क्या सोचते हैं कि अब 12th की अच्छी से पढ़ाई कर लेते हैं, बोर्ड्स की से पढ़ाई कर लेते हैं, फिजिक्स बन जाएगी मेरी. नहीं, अगर 11th तुम्हारा वीक है, तुमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम दो, 11th को स्ट्रेंथन करो. कोर मैथमेटिक्स जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना, जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड होती है, वो अच्छा कर लो, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर वेक्टर्स जैसे या फिर ग्राफ जैसे जो चीज़ें होती हैं उनसे तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा. तुम अपने बेसिक्स को पहले स्ट्रेंथन करो, उसके बाद तुम देखना फिजिक्स में आराम से तुम एक्सेलरेट कर पाओगे अपने स्कोर को ना, लॉगरिथमिक स्केल पे तुम ले जाओगे, ठीक है. चौथी चीज़, जब भी फिजिक्स करो बच्चे, कभी भी टायर्ड माइंड से नहीं करना है. एट द एंड ऑफ द डे फिजिक्स नहीं करना है तुम्हें, हमेशा फ्रेश माइंड के साथ फिजिक्स करना शुरू करो. स्टार्टिंग में जब तुम्हें फिजिक्स पसंद नहीं है तो वो फर्स्ट थिंग इन द डे तुम करो, ठीक है. और तुम जब फ्रेश रहोगे ना तो तुम क्रिएटिव रहते हो, तुम इमेजिनेटिव, यू नो, तुम्हारी थिंकिंग रहती है, राइट. इन दैट वे तुम फालतू का फाइट नहीं मारोगे, ठीक है.
तुम इस बात से भी फाइट मार रहे हो, जो तुम टायर्ड हो ना, तो तुम इस बात से फाइट मार रहे हो कि यार फिजिक्स तो पसंद नहीं है, ऊपर से तुम अब तुम्हारी एनर्जी कम है, उस बात से भी फाइट मार रहे हो कि नहीं यार मन लगा फिजिक्स सॉल्व करनी वरना डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो वो क्यों करना, तुम्हें फिजिक्स ऑलरेडी पसंद नहीं है, ऊपर से क्यों ये बर्डन लेना कि तुम्हारा विल पावर भी कम है, एंड ऑफ द डे तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज है, उस पर फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो जो कि मेंटली टैक्सिंग है। तो ये नहीं करना, हमेशा फ्रेश माइंड के साथ करना। उसके बाद स्टडी ग्रुप्स में पढ़ाई करना शुरू करो। जब तुम देखोगे तुम्हारे फ्रेंड्स फिजिक्स के सवाल लगा रहे हो और तुम भी लगा रहे हो उनके साथ, तो तुम स्टिमुलेटेड रहते हो। वो स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट, जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, वो फेवर करेगा फिजिक्स तुम बेटर अडॉप्ट कर पाओ, इम्बाइब कर पाओ, कॉन्सेप्ट समझने में तुम्हें मज़ा आएगा। स्टूडेंट अब जब तुम अपने स्टूडेंट ग्रुप से डिस्कस करोगे तो तुम्हें मज़ा आएगा कि हाँ उसने ऐसा सोचा, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है ये आंसर हो। ये सारी चीज़ें ना तुम्हें बहुत इंट्रीग करेगी, ठीक, क्यूरियोसिटी डेवलप करेगी फिजिक्स को अच्छा करने के लिए। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ऐसी वीडियो किसी और टॉपिक के लिए चाहिए बता देना, कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी बता देना। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल यार, ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, लगे रहो बच्चे, हार मत मानो, तुम बनोगे डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपना सेल्फ बिलीफ सिस्टम किसी को भी हार्म करने मत देना, वो तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ठीक है, ऑल द बेस्ट है।